नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है रामकृष्ण धुबियाही पंचायत से। यह पंचायत सरैया प्रखंड के अंतर्गत है मुजफ्फरपुर जिला में। और आप दर्शकों को बता दें कि इस पंचायत को लेकर एक मामला आया था चौपाल समाचार की टीम के पास, जिसके लिए हमने एक पोस्ट जारी किया था इस सामाजिक अवलोकन कर बताएं कि मामला क्या है। मैं बता दूं कि यह मामला संबंधित है मनरेगा योजना से, जो कि बताया जा रहा था कि मनरेगा योजना के अंतर्गत एक पोखर की उराही की जा रही है और उसमें जेसीबी का प्रयोग किया जा रहा है। और उसका एक वीडियो भी चौपाल समाचार में आया था, जिसे मैं आप स्क्रीन पर दिखा रहा देख पा रहे होंगे। यही वीडियो सामने आया था, और जब वीडियो भेजने वाले से उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने अपना परिचय भी बताया और बताया कि हमारे गांव की ही ये बात है। और उन्होंने जो भी कुछ कहा है, सबसे पहले मैं आपको सुना देना चाहता हूं, आप उसे जरूर सुन लें। ये क्या समस्या बता रहे थे आप अभी? बता रहे थे कि राम की दुमियाही स्कूल के सरकारी स्कूल के बगल में पोखरा है, सरकारी पोखरा है जी। समिति मद से मनरेगा से मिट्टी खोनाई पोखरा खोनाई कार्य हो रहा है, जेसीबी लगाया गया है। अच्छा जी, 9 लाख का एस्टिमेट है। इस एस्टिमेट की जानकारी आपको कैसे मिली है? एस्टिमेट बना है उसका, हम अति निकाले हुए हैं, पीओ ऑफिस में जाकर देखे हैं। तो इसमें वो मनरेगा के अंतर्गत काम हो रहा है, वहां पर कोई बोर्ड लगा है कि इसमें मनरेगा का काम हो रहा है? नहीं, बोर्ड कुछ नहीं है। तो ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर लग रहा है कि वहाँ मनरेगा सही काम हो रहा है जी। फिर से अपना एक बार परिचय बताइए जी। अपना परिचय पुनः एक बार बताइए। गणेश शर्मा, रामकृष्ण दुबियाही ग्राम हुआ, पंचायत भी रामकृष्ण दुबियाही है। अगर आपके यहाँ अधिकारी जाएंगे तो आप उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे? जी जी जी। आपका जो मोबाइल नंबर जिससे अभी बात हो रही है, वो अपने अधिकारी के पास हम फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी जी, ओके ठीक है। तो हम आपकी बात रिकॉर्ड कर लिए हैं और इसको लेकर हम खबर चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी सर, ओके जी, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद चौपाल समाचार की टीम ने एक पोस्टर जारी करते हुए बताया था वहां के लोगों से सामाजिक अवलोकन के लिए, और उसका जवाब आया है। जवाब आया है वहीं के सरैया प्रखंड के क्षेत्र संख्या 31 के पंचायत समिति सदस्य राम कुमार जी के माध्यम से उसका जवाब आया है। और उन्होंने कहा है कि वास्तविकता कुछ और है। वीडियो तो उसी जगह का है, लेकिन मामला यह है कि वीडियो जो बनाया गया है उसका जो जगह है उस पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि एक सामने एक निर्माण कार्य भी चल रहा है ठीक उसके पोखर के करीब में ही, और जेसीबी से जो काम किया जा रहा है ना, वो निर्माण कार्य जो वहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है कि एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित वो बिल्डिंग बताई जा रही है, उसके निर्माण में सहयोग के लिए वो जेसीबी, चूंकि उसकी मिट्टी नीचे चली गई थी तो उसको ऊपर रखने के लिए वो जेसीबी वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे उसका एक वीडियो भी उन्होंने भेजा है जो आपको मैं दिखा दूँ, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप जरूर सुन लें जी। राम कुमार जी, आपके पंचायत से एक वीडियो आया है जिसमें बताया जा रहा है कि जेसीबी के माध्यम से पोखर उड़ाही का कार्य किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर, हम कहना चाह रहे हैं यही सर कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का काम जो है से चल रहा है जी। जो मिट्टी जो गिरा हुआ है वो मिट्टी जेसीबी लगा करके उठ रहा है स्वास्थ्य केंद्र वाला, जो भूमि रोधक मकान बन रहा है सर। ओके, भूमि रोधक मकान बन रहा है, वही जो है सर मिट्टी जो है अपना कंडक्शन लाइन का केपीएस कर का जेसीबी है अपना माटी उठा रहा है सर। आकर सर जांच कर लिया जाए इसमें हमको कुछ जी। हम अगला सवाल ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि राम कुमार जी, आप तो बहुत ही बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं मुझे, मनरेगा के काम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गाँव समाज में जो मनरेगा की योजना का जो उद्देश्य है, क्या वो पूरा हो पा रहा है? लोगों को 100 दिनों का रोजगार मिल पा रहा है आपके क्षेत्र में? सर अभी तो हमें नहीं, फर्स्ट योजना भी काम करवाए हैं सर, अभी मैंने हम शुरू भी नहीं कर पाए हैं जी। इसके लिए अभी हमें इतना जानकारी ना दे पाएंगे सर। आगे आने वाले समय में सरकार की जो ये योजना खासकर मनरेगा है, इसके उद्देश्य को लेकर आप संकल्पित हैं कि लोगों को 100 दिन रोजगार मिल पाएगा? सर 100 दिन तो मौसम के हिसाब से ही सर रहेगा, मौसम रहेगा तो 100 दिन मिल पाएगा सर, मौसम सही नहीं रहेगा तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुन लिया किस तरह से इस समस्या के संबंधित जो बातें आई थी उसका खंडन किया गया है, और मैं बता दूं कि एक पक्ष जो सरकारी अधिकारियों का है वो अभी बाकी है,
और उसे आने के लिए मैं बता दूं कि वो समय रहते आएगा जिसे मैं आप चौपाल समाचार में प्रेषित कर जरूर उसकी वास्तविकता से हम आपको अवगत कराएंगे। और इसको लेकर चौपाल समाचार की टीम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सरैया और साथ ही साथ जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को ईमेल के माध्यम से सारी सूचनाओं को लेकर सूचित किया है और देखते हैं कि क्या वहाँ का मामला है और किस तरह से वहाँ की वास्तविकता जो है वो पदाधिकारी के सामने जो जो बातें आएगी उसे भी हम आपको जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम आपको कहना चाहेंगे कि देखिए समाज की जो बात है उसमें आप दर्शक के माध्यम से हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप दर्शक उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको कैसा लग रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है। आप अपनी बात भी कमेंट करिए आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो जैसे ही बात आपके सामने आती है हम लोग मिलकर सब कुछ चूँकि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं समाज की बेहतरी के लिए तो सभी लोगों का सहयोग हम लोग समझ रहे हैं किस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं तो उसकी बहुत ही महत्ता होती है। जब सब लोग मिलकर जागरूक हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। जहां से भी आपका जो भी वीडियो लोग बना रहे हैं वीडियो भेज रहे हैं उसको हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं उसकी बातें सामने आ रही तो बहुत ही बेहतर है। समाज इस समय जागृत हो रहा है और आने वाले समय में जो मनरेगा योजना है खासकर जो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी की जो बात है इसमें इस योजना का मूल है उस पर हम लोग पहुँच पाएंगे ये हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे में कहना चाहूँगा चौपाल समाचार से आज तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो नंबर है ना 6206611060 इस नंबर के माध्यम से आप हमारी टीम को सीधे संपर्क कर सकते हैं, अपना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, यहाँ पर बात कर सकते हैं और हम लोग मिलकर जो बेहतरी का काम कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। तो ज़रूर आप हमारे इस नंबर को सेव कर लें, हम सब मिलकर बेहतर काम करें, समाज में इसका सहयोग मिले, बेहतर तरीके से लोग जागृत हो जाएं, यह हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।